चल दिया और सर भी साथ में है, तो चलते हैं पहले मॉल और कुछ सामान देखते हैं यहाँ पे कैसा है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जस्ट निकल रहे हैं हम लोग मार्केट, और यहाँ का आज पहली बार है जो कि मार्केट हम दिखाएंगे आप लोग को। तो अभी जा रहे हैं मार्केट और कुछ सामान कुछ ख़रीदना है। सामान जैसे हमें ख़रीदना है कि कुछ गरीबों को, जैसे यहाँ पे बहुत सारे गरीब के बच्चे लोग हैं जो कि देखते हैं बकरी चरा रहे हैं तो भैंस चरा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो उन लोगों के लिए कुछ कॉपी और कलम ख़रीद ले, ताकि उन लोगों को कॉपी कलम गिफ्ट करके उन्हें पढ़ने के उत्साहित करें, पढ़ाई आगे स्कूल जाने का उत्साहित करें, पढ़ने का उत्साहित करें। तो इसके लिए आज उन लोगों को कुछ कुछ छोटी छोटी गिफ्ट देंगे। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं आज हम सामान खरीदने के लिए। अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा यहाँ किसके साथ वो जो है हम लोग किस किस बच्चे लोग के साथ गिफ्ट किए और कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बच्चे से क्या बातें कर रहे हैं, ये सब मिलेगा देखने को अगले ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं फिलहाल मार्केट। भरत वहाँ गाड़ी रम खोल के तैयार कर रहा है, पूछ पाछ का हो गया। हो जाएगा के सर जाएंगे? नहीं नहीं, आइए, गाड़ी खुला है या? तो आ गया फोर व्हीलर की चाबी और गाड़ी यहाँ लगी है, दिखाते हैं। इसी से बाजार भी चलेंगे, हम भी चला लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं अपना गाड़ी, लेकिन ये हमारे भाई भरत का है गाड़ी। इस गाड़ी को भी हम चलाते हैं, लेकिन नहीं ड्राइव करेंगे, दूसरे की गाड़ी छूना अच्छी बात है। तो ये है इस तरह का गाड़ी, इसी से भी निकल रहे हैं। आगे गाड़ी में लगा दिया गया पुलिस का लेवल, पहले गाड़ी खोल लेते हैं। ये देखिए अनलॉक का बटन यहाँ रिमोट से है, ये देखिए गाड़ी खुल गई। तो अब इसका गेट खोलेंगे, ये गेट खुल गया। तो पीछे हम बैठ जाते हैं, और भाई बरात का भी लगता है कुछ काम है, हम समझ रहे हैं। देखिए कपड़ा कुछ रखा हुआ है, कपड़ा सिलवाने के लिए जा रहा है, बताया नहीं है, लेकिन कपड़ा हमको लग रहा है कि कपड़ा सिलाने जा रहे हैं। गाड़ी खुला रखेंगे, यहाँ बहुत सारे मच्छर है यार, तुरंत घुस जाएगा इसमें मच्छर। बस गाड़ी पैक और मस्त, इसमें ब्लॉगिंग करने में मज़ा आता है, आवाज़ भी आपको एकदम सुरक्षित रहता होगा, पूरी आवाज़ बाहर से, कोई लोकेशन पर कोई आवाज़ नहीं जा रहा होगा ना, तो आवाज़ बिल्कुल एकदम साफ सुनने को मिल रहा होगा यहाँ पे, और मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने के लिए, लगता है इसमें बैठ के आराम से ब्लॉगिंग। हालांकि एक दो को वीडियो बनाए भी हैं, जो कि अस्थायी रूप से वीडियो बनाना था, तो इसमें बैठ करके वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग की क्वालिटी और आवाज़ सही जाए, कोशिश करते यही। तो फिलहाल तो अब देखिए भरत गया है अभी रूम पर, कुछ सामान छूट गया होगा लाने के लिए, और आता है तो फिर यार गाड़ी में गर्मी लग रहा है, एसी चला ले, नहीं छोड़ रहा, नहीं दिए आने देते हैं उसको, क्या लीजिए आवाज़। ये इसका जो मतलब एक्सीलेटर है उस टाइप का क्या? हाँ, एक्सीलेटर जो है ना इसका काफ़ी हो गया, फंस गया। तो यहाँ जैसे बाइक में होता है वैसे ना इसको अथी करने वाला है? तो मिस्त्री नहीं जानेगा वो। हाँ एक बार ले चलिए इसको गैरेज। हाँ हाँ आवाज़ तो है, हाँ आवाज़ ज़्यादा दे रहा है, गाड़ी में बेचारा एक सर्विसिंग की जरूरत है लगता है। क्या एक मिनट, बोनेट खोलना है, दीजिए उधर से। आइए भैया, विजय वीरेंद्र भैया आएंगे। भरत देखिए ड्राइविंग भी करता है, मैकेनिक वाला काम कर रहा है, ये देखिए गाड़ी खुल गई है। देखियो दाब भून तो पता चलता उनको। हाँ हाँ ठीक ठीक, इंदा 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 देखियो। हाँ ठीक है भाई, पता चलो ना। हाँ हाँ तो दाब तो इधर सबसे इधर ला। तो चल दिए गाड़ी से, ओवर ब्रिज के आगे ये देखिए नया कपड़ा भरत जगह बताओ फिर आप। क्या सर? नया टी शर्ट जरिए खरीद लेंगे, मॉल में लगाइए गाड़ी, हम भी एक कपड़ा मिलता है, और क्या है मॉल में जो है ना अच्छे लगा
अच्छा तो मॉल में तो कोई बढ़िया दुकान देखा जाएगा, उसमें क्या है? पहले मॉलो देख लो ना। हाँ पहले मॉलो देख लीजिए, चलिए 500 को बढ़िया सा टी शर्ट लीजिए भरत। चलिए हमारे तरफ से रहेगा, उसमें क्या है। ये देखिए मॉल आ गए और इसी मॉल में अचानक डिसीजन चेंज कर लिए हैं कि भाई पहले मॉल चलते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। तो भरत चल दिया और सर भी साथ में है, तो चलते हैं पहले मॉल और कुछ सामान देखते हैं यहाँ पे कैसा है। कॉटन में पहनेंगे ना? कॉटन। हाँ रुमाल है। चलिए ना, ये हाफ स्कूल ड्रेस है। तो गाइस एक टी शर्ट पसंद ही आया लेकिन साइज में सही नहीं अंदर हुआ है। देखिए टी शर्ट हम पसंद ले रहे हैं। वाह वेरी गुड। पेमेंट कर दीजिए, अभी कर देते हैं हम पेमेंट। तो भाई ये भरत भाई ले लिए हैं ये टी शर्ट, पर हमारा बहुत इच्छा कर रहा था लेने का लेकिन क्या करें मजबूरी थे तो भरत ले लिया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। तो गाइस फाइनली जो है हम नहीं खरीद पाए, मेरा दोस्त एक ले लिया है कपड़ा और हमारा पसंद था वही, लेकिन पसंद फिलहाल वो ले लिया, अपना पसंद कर लिया तो उसी को दे दिया। एक ही पीस था और वो पसंद कर लिया तो उसी को दे दिया। तो भरत भाई के खुशी के साथ आया, एक टी शर्ट नहीं ले लिया कि खुशी हो गया इसका। ए भैया टी शर्ट के साथ कितना बड़ा खुशी आया, टी शर्ट के साथ साथ पहले 10,000 रुपये पेमेंट बढ़ गया, पेमेंट चढ़ गया इसका। तो यहाँ बिलिंग हो रहा है। तो फाइनली शॉपिंग हो गया और यहाँ से निकल रहे हैं अभी सर अंदर में ही हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग मजाक बन के रह गया, भरत भाई एक टी शर्ट लिया बोला एक फैला दे दीजिए, फैला के पैसा मांग रहा है। एक्चुअली में पैसा लगता है हर एक मॉल में, इनका शॉर्ट लगेगा था हाथे में दे दो। देखिए अब हाथे में ऐसे लग जा रहे हो, देखिए तो हाथ में लेके चल दिया कि चलो हाथ में ही चाहिए, हमको थैला की जरूरत नहीं है। तो हम लोग शॉपिंग करके आ गए, गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन वहाँ पे सर जो है एक सर है एक बड़े भैया हैं, दोनों मिलकर के अभी आए नहीं। अभी वो क्या खरीदे थे, वो खजूर ना? हाँ खजूर लिए हैं वो दोनों। और भरत भाई तो थैला मांगे, क्या बोला मॉल वाला? कै रुपया बोल रहा था थैला का? 5 रुपया। सर को देखिए ना, सर भी हाथे में लेकर आ रहे हैं वो थैला। कुछ सामान लिए वो भी हाथ में लेकर आ रहे हैं, थैला नहीं लिए। भाई 5 रुपया की बात है, क्यों ना जाए पैसा बर्बाद करें। अरे 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 अब देखिए गाड़ी स्टेशन पे लगा दिए हैं और अब जा रहे हैं मेन मार्केट, तो इधर भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है इसलिए गाड़ी साइड में लगा दिए, फोर व्हीलर में जाम होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। देखिए कितना हल्ला हल्ला हो रहा है। तो यार कुछ सामान और लेना है, बसरते हम अपना ही कुछ सामान लेते हैं, टी शर्ट वगैरह देखते हैं अगर बढ़िया मिल गया। वहाँ तो पसंद आया, भरत भाई ले लिए एक ही पीस था। आगे चलते हैं पहले बाजार की तरफ। ये देखिए चौक है, इसी चौक पे। तो गाइस फाइनली मॉल में तो पसंद नहीं आया कपड़ा और लास्ट में आ गए दुकान में। दुकान में हमको एक ये है? एक कपड़ा पसंद आया है जो कि आप लोग बताइए एक बार कमेंट करके कैसा है, कौन सी कंपनी भैया? वेरी ब्लू। वेरी ब्लू कंपनी का है। इसका प्राइस क्या है? 849 का है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का पसंद आ रहा है नहीं। हम तो फाइनली इसको पसंद कर लिए और ले रहे हैं। तो गाइज फाइनली ले लिए कपड़ा, बहुत खोजने के बाद बहुत ढूंढने के बाद एक दुकान में पसंद आ गया। हालांकि मॉल में भी पसंद आया था, वो लमसम 400 रुपये का टी शर्ट था, लेकिन यहाँ पे जो कि 850 का टी शर्ट लिया है, लेकिन मस्त लगा है। पहनेंगे, ब्लॉगिंग करें इस टी शर्ट के साथ, देखिएगा आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। तो बस अब बिल्कुल शॉपिंग करना समाप्त हो गया, अब चल रहे हैं सीधे अपनी गाड़ी के पास और उसके बाद यहाँ से गाड़ी पे बैठेंगे, चल देंगे अपने रूम। सॉफ्ट ये बढ़िया लगा है, इसका कलर भी सही है, भैया पसंद कर रहे हैं। पसंद आ गया ना? अच्छा क्यों? नहीं ब्लैक रंग का मेन गर्मी का समय है ना, गर्मी के समय ब्लैक जाम कर रहे हैं। अरे 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 कुछ बुझिए ना मंदिर का।
सॉरी अब तो हम अपने जगह पे आ गए बाजार से शॉपिंग करके, लेकिन जिस काम से हम निकले थे, जिस चीज का शॉपिंग करने के लिए निकले थे कि बच्चों लोग की कॉपी और कलम लेकर आएंगे, लेकिन वैसा कुछ वहाँ पे दुकान भी नहीं मिला, प्लस हमारे साथी जो भरत है उसका ड्यूटी था तो जल्दी जल्दी आना पड़ गया। तो वो जाएंगे हम अभी, अब सारा सामान यहाँ पे रख के फिर निकलेंगे मार्केट, दिखते हैं यहीं आसपास में अगर होगा तो ले लेंगे। लेकिन इसके लिए सॉरी, हम जो काम से मेन काम से जो गए वो काम नहीं कर पाए, और ये हम अपना कपड़ा खरीदने भी नहीं गए थे और कपड़ा खरीद कर आ गए तो पसंद आ गया दुकान में। तो गाइज आप लोग का आज का ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।